आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। मैंने एक सवाल उठाया था कि एसी एसटी का उसका प्रोन्नति के संबंध में, और उसमें एक विशेष कमेटी बनी थी और विशेष कमेटी का तिथि आपका 24 नवंबर को उसका, मैंने एक तिथि था उसका, लिमिट विशेष कमेटी का लिमिट टाइम होता है, सीमित टाइम होता है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को, जो विशेष कमेटी के संयोजक माननीय विधायक दीपक बिरुआ के माध्यम से तिथि बढ़ाने का आग्रह किया, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उसको 10 दिसंबर तक तिथि को बढ़ा दिया है। सवाल ये है था इसमें कि हमने प्रोन्नति का आरक्षण की बात कभी नहीं कहा है, प्रोन्नति में आरक्षण की बात हमने नहीं कहा है। हमने कमिटी के माध्यम से पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास किया, और ये हमारा सवाल भी था कि जो मेरिट पर है, मेरिट पर, और वैसे लोगों को उसका मेरिट का अवसर उसको मिलना चाहिए, और जो अनरिजर्व, जो प्रोन्नति में जो अनरिजर्व सीट है तो उसको केवल जनरल के लिए उसको आरक्षित ना रखा जाए, लेकिन उसको ओपन फॉर ऑल रखा जाए, ताकि मेरिट के आधार पर एसी एसटी भी को इसका लाभ ले सकें। क्योंकि ऐसा इसलिए भी कि अगर आप देखेंगे, हमारे पास कई एक दस्तावेज हैं, भारत सरकार का, राज्य सरकार का भी यहाँ पर, और 2007 में तो इसी नियमावली से प्रोन्नति होता था, लेकिन 2007-08 के बाद में, 8 में बिना कोई संकल्प का, बिना कोई अधिसूचना का, ये जो प्रमोशन 2007 में हुआ, जो उसका मेरिट के आधार पर 2007 में हुआ, उसको निरस्त कर दिया गया बिना कोई संकल्प न बिना कोई अधिसूचना का। आज भारत सरकार का भी उस पर आपका आदेश है, आपका महाधिवक्ता का भी उस पर मंतव्य है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर ही है। मैंने सारे मंतव्य होने के बावजूद भी पदाधिकारियों के द्वारा एक तरफ से कहा जाए इसको, मतलब कि उसको अपने तरीके से इसको विवेचना किया जा रहा है, और इसी के कारण क्या होता है कि आज कहीं भी झारखंड के प्रदेश में तकरीबन 2.25 लाख कर्मचारी, और इस पर आपका एसी एसटी को आप बड़े पद में कहीं आप नहीं मिलेंगे। आपको टेक्निकल रूप में अगर आप देखेंगे तो मुरारी भगत है तो आपको बता रहा है, बाकी इस तरह का जो प्रोनल है उसके माध्यम से एसी एसटी कभी भी बड़े पोस्ट में पहुंच नहीं पा पाएंगे। इसीलिए ये जो हमने जो आपको जो दस्तावेज वगैरह हमने दिया है, हालांकि मेरे पास एक एक चीज़ का, महाधिवक्ता का भी मंतव्य है, भारत सरकार का भी है, सुप्रीम कोर्ट का है, हमने साफ साफ पदाधिकारियों को कहा कि ये सारे दस्तावेज होने के बावजूद आप इस तरह का, आप उनका जो उनके साथ उनका हक के साथ उनका अधिकार के साथ हनन नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको एससी एसटी का आपका, आपको तो सिटी का एक्ट के तहत आपको उस पर आपको एफआईआर किया जा सकता है।
माननीय मुख्यमंत्री के साथ ये कमेटी ऐसा है, राज बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मामला को इतना गंभीरता से समझते हुए अपने आपके मंत्रालय में उन्होंने पूरा बैठक बुलाया, जिसमें संयोजक था विशेष कमेटी का, हम चूंकि सब हम भी सदस्य थे, हम भी थे, और चीफ सेक्रेटरी और कार्मिक सचिव को बैठा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का अध्यक्षता बैठक हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को उन्होंने महसूस किया, पूर्व में पदाधिकारी लोग उसको दिग्भ्रमित कर दे रहा था पूरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको समझे और उन्होंने एक महीने के अंदर में पूरे चीज़ों को पूरा उन्होंने पूरा उसका रिपोर्ट मांगा है, क्योंकि ये हमको लगता है कि इस बार इस कमेटी के माध्यम से प्रोन्नति के संबंध में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा न्याय मिलेगा, और इसके लिए सारा दस्तावेज हम लोग दिया है, और 10 तारीख के पहले विधानसभा की समिति हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। और अगर इस तरह का अगर नहीं होने के कारण ही एसी एसटी लोगों को जो उनके आपको अभी हाल के दिनों पुलिस में जो बहाली प्रमोशन में बता रहे हैं, जो 94 में जो भर्ती हुआ है नियुक्ति हुआ है उनका प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन 2012 में जो पुलिस में भर्ती हुआ है उसका प्रमोशन हो गया। और ऑफिसर मैंने इतना गोल मटोल करके, जबकि सारा चीज आपका यहाँ पर आर के सबरवाल का मामला है, हरीश सालवे का, बहुत सारा हमने सारा दस्तावेज हम पूरे उसको हमने उसको सारा चीज़ों को बताया, भारत सरकार का से लेकर के बिहार सरकार से लेकर खंडेलवाल का रिपोर्ट, पूरा सारा रिपोर्ट देने के बाद भी पदाधिकारी इसको गोल करते रहा है पूरा ही चला करके। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पुनः आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सरकार में एसी एसटी को न्याय होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग जो कमेटी का हमारा रिपोर्ट है 10 तारीख के पहले जमा करेंगे।